हेलो गाइस, बी एग्रीटेक चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में जानेंगे जल के संकट से निपटने के लिए जागरूकता के साथ वैज्ञानिक तरीकों को भी अपनाए जाने की ज़रूरत है। सबसे कारगर तरीका है बारिश का पानी बचाना। हम छत का पानी बचाकर भूजल स्तर बढ़ा सकते हैं। इजराइल, सिंगापुर, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काफ़ी काम किया जा रहा है। यहाँ पे बेहतर परिणाम मिले हैं। हमारे यहाँ भी इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन जागरूकता की कमी दिखाई देती है। इस तकनीक के जरिए छत के पानी को हैंडपम्प, बोरवेल या कुएं के माध्यम से भूगर्भ में डाला जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सबसे आसान दो तरीके, पहला बारिश के पानी को छत पर एकत्रित कर गड्ढे या खाई के जरिए सीधे ज़मीन के भीतर उतारना, दूसरा छत के पानी को किसी टैंक या में एकत्रित करके सीधा उपयोग करना। 1000 वर्ग फीट की छत वाले छोटे मकानों के लिए ये तरीका बहुत ही उपयुक्त है। एक वर्ष काल में इस छोटी सी छत से लगभग 1 लाख लीटर पानी ज़मीन के भीतर पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ज़मीन में 3 से 5 फीट चौड़ा और 6 से 10 फीट गहरा खड्डा खोदना होगा। खुदाई के बाद उसमें सबसे नीचे मोटे पत्थर, बीच में मध्यम आकार के पत्थर और सबसे ऊपर बारीक रेत या बजरी डाल दी जाती है। ये सिस्टम फिल्टर का काम करता है। छत से पानी एक पाइप के जरिए गड्ढे में उतार दिया जाता है। गड्ढे से पानी धीरे धीरे छनकर ज़मीन के भीतर चला जाता है। इस तरह की फिल्टर्स के माध्यम से पानी को सैंपल या टैंक में एकत्रित किया जा सकता है। इस वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल का बटन पर क्लिक करना। इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल का बटन पर क्लिक करना। आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।